तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:15। वहां भी जाना है। ओ गॉड। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहली चीज, आई एम रियली सॉरी फॉर द यू नो दिस पोजिशनिंग, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। एंड लाइक मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया आज पूरे दिन में। ओ गॉड, ओके, मैं सॉरी क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, ऐसी कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो हम करते हैं सुबह सुबह उठते ही, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में उठने से लेके। नाउ आप माने या ना माने, हमारे दिन की शुरुआत जितनी ज़्यादा स्मूथ होती है, जितने अच्छे से होती है, खुशनुमा होती है, हमारा पूरा दिन उसी पर डिपेंडेंट रहता है, बोले तो निर्भर रहता है। उसका उल्टा, अगर थोड़ी सी भी गलती हमारे सुबह को हो जाती है ना, हमारे पूरे काम इधर उधर, पूरा दिन मतलब ऐसे ही जाता है, फिर बैकग्राउंड भी ऐसे ही मिलता है हमको बनाने के लिए। इन सबको साइड करते हैं, बात करते हैं आज के वीडियो की, जो कि होने वाला है, ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो कि आप डेली बेसिस पे करते हैं सुबह उठते ही, जिनके ना करने से आप बहुत ज्यादा एक्टिव, आपका डे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिन की सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लेट उठना। ऑलराइट, सो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:15। मैं जनरली उठ जाती हूँ 7 बजे, लेकिन आज मैं लेट उठी हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि मैंने आज के दिन में करी है, बिकॉज मेरे पास कम आवर्स बचेंगे काम करने को। व्हाट हैपन्स इज, जब आप थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, मुझे इनफैक्ट और जल्दी उठना चाहिए, लाइक अराउंड 5 or 5:30, सो एटलीस्ट 6 बजे मुझे उठना चाहिए, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। 7 बजे मैं जनरली उठ जाती हूँ, तो मेरे पास एटलीस्ट 1.25 घंटा बचता है एक्स्ट्रा काम करने का। बिकॉज होता क्या है, जितना जल्दी आप चीज़ें यू नो करना स्टार्ट करते हो, जितना जल्दी आपका डे स्टार्ट होता है, उतना जल्दी आप चीज़ें फिनिश भी कर पाते हो। ये यू नो गुरु मंत्र है आपकी डे टू डे लाइफ का, आप चाहे माने या ना माने। नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको रियलाइज़ कराना चाहूँगी, जो शायद आपको बहुत अच्छी भी लगेगी जान के, क्योंकि आप जल्दी उठते हैं, आपके सारे काम जल्दी स्टार्ट होते हैं एंड रिस्पेक्टिवली फिनिश भी होते हैं। इसमें आपको शायद ज़्यादा मज़ा नहीं आया। दूसरी चीज़ ये, जब आपको मालूम चलेगा कि आपकी उम्र के इस टाइम बहुत सारे लोग सो रहे हैं, या फिर वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो कि आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो टाइम है, सो दैट यू हैव गॉट द एक्स्ट्रा आवर, चाहे वो 1 घंटा हो, यू नो 1.5 आवर हो, या फिर 2 आवर्स हो, आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम है। तो आपको ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेके चलनी है, कि जो चीज़ वो शायद नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो लेट कर पा रहे हैं, आप वो चीज़ पहले कर रहे हैं। एंड सो फार द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक इज बाय गेटिंग अप लेट। नाउ आई एम श्योर यू आर 100% कन्विंस्ड कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, वो होती है सबसे लेट उठना। नाउ दैट टेक्स अस टू द मिस्टेक नंबर 2। नाउ आई एम श्योर वाली चीज़ किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, दैट यू नो जब हम उठते हैं तब वॉक करना या फिर रनिंग करना या हल्की फुल्की जो भी एक्सरसाइज होती है हमारे यू नो बॉडी के लिए, वो करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ दैट मैं एक्चुअली लेट उठी हूँ जस्ट टू फिल्म दिस वीडियो, मैं टेरिस पे हूँ अभी, और यहाँ पे पूरी टेरिस पे ऑलमोस्ट धूप आ चुकी है, और मेरे को थोड़ी सी जगह मिली जस्ट टू शूट दिस वीडियो। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको कन्वे करना चाहती हूँ, आप जहाँ पे भी रहते हो, आप चाहे आपके पास ऐसी कोई टेरिस अवेलेबल हो, फ्लोर अवेलेबल सबके पास होता है पूरी दुनिया में है, एंड आपके पास आजू बाजू में कोई पार्क हो तो वहाँ पर आप जाइए, अर्ली मॉर्निंग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, जिम हिट करना चाहते हैं प्लीज़ डू दैट, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। एंड ऑफकोर्स यू नो नॉट टू मैंशन हेल्थ इज वेल्थ। सिर्फ दिन को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिमिलरली आपकी स्किन को भी एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे साबुनों का इस्तेमाल करके अपनी फेस को वॉश करते होंगे, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, आपकी फेशियल स्किन, आपको मानना पड़ेगा ये चीज़ कि आपकी फेशियल स्किन बहुत ज़्यादा अलग होती है आपकी बाकी की जो रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट से। तो आप रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट को आप चाहे ऐसे साबुन, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी, ये भी बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, कुछ माइल्ड आप यूज़ करिए। आपको बताना चाहती हूँ कि क्या एक स्टेप है जो मैं करती हूँ और जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं या फिर गलत करते हैं, बिकॉज दैट टेक्स अस टू द मिस्टेक नंबर 3। नाउ आई लाइक टू यूज दिस चारकोल फेस वॉश फ्रॉम वाओ। नाउ चारकोल ना सिर्फ आपकी स्किन से जो भी सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज, ग्राइम, गंक, ऑयल होता है उसको निकालता है, बल्कि चारकोल आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन करता है। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है जो कि वो निकाल नहीं पाते हैं, देन डेफिनेटली आपको ये चीज़ आप यू नो चेक कर सकते हैं एक बार। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं चारकोल के, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा, लाइक लिटरली बहुत अच्छे से क्लीन करने वाले हैं। आपकी स्किन पे लिटरली ब्रश होते हैं ये पार्टिकल्स, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एंड रियली 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 इन्जॉय यूजिंग दिस फेस वॉश। सिमिलरली वीक में 2 से 3 बार आपको यूज़ करना चाहिए एक स्क्रब जो कि माइल्ड भी हो, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा वेल ग्राउंडेड हो, ताकि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, एंड जब आप उसको यूज़ करें तब आप बिल्कुल हल्के हाथों से उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आप आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते।
आई एम श्योर मैं ये चीज आपको क्लियर कर पाई हूँ कि एक फेस वॉश और वीक में दो बार स्क्रब करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए. ये वाला या फिर वहां भी जाना है. ओ गॉड, आई एम श्योर हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते होंगे क्योंकि हमने आज कहीं बाहर जाना था और हमने आउटफिट डिसाइड नहीं किया और सुबह को एटलीस्ट मेरे को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं आराम से. मैं यहाँ पे इसी कन्फ्यूजन में हूँ कि मुझे क्या पहनना है. नाउ दिस इज मिस्टेक नंबर 4th जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं. आपको सिंपली क्या करना है, एक दिन पहले आपको प्री डिसाइड करके चलना है कि आउटफिट क्या पहनना है. वो कैसे डिसाइड करेंगे, इवेंट्स के अकॉर्डिंग. मतलब नेक्स्ट डे अगर आपको जाना है किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए देन आपको फॉर्मल ड्रेस निकालनी है, किसी पार्टी के लिए तो आपको कोई पार्टी ड्रेस निकालनी है. ऐसे टाइम वेस्ट तो नहीं होगा ना. अभी मुझे लिटरली सोचना पड़ेगा कि इन दोनों में से मैं कुछ पहनूं या नहीं या फिर कुछ तीसरा ही मैं निकालूं. बाय द वे ये वाला था मिस्टेक नंबर 4 जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं. नाउ आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो आउटफिट है वो प्री डिसाइड करके चलना पड़ेगा. एक रात पहले ही आपको सोच लेना है सारी चीजें कि आप क्या पहनने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं. एक और टिप देना चाहूंगी, हेयर स्टाइल भी आप दिमाग में रख के चलिए ड्रेस के अकॉर्डिंग कि आप क्या बनाने वाले हैं, वरना बहुत सारे लोग हेयर स्टाइल में भी अटक जाते हैं. मिस्टेक नंबर 5 है ब्रेकफास्ट को स्किप करना या फिर बिना ब्रेकफास्ट किए घर से निकल जाना. जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तकरीबन 8 से 10 घंटे के बीच में आपके पेट में कोई भी अन्न का दाना नहीं होता है तो हमारी बॉडी में जो भी कमी होती है, हमारे शरीर को जो भी ग्लूकोज की जरूरत होती है उसकी कमी को क्या पूरा करता है, नाश्ता. उसके उलट जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट बिना किए से चले जाते हैं, उनकी शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कहाँ से पूरी करेगा. तो हमारी बॉडी को मजबूरन हमारे स्किन सेल से या फिर बॉडी सेल से वो ग्लूकोज निकालना होता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. हमेशा अपने पेट को अच्छा खासा भरपेट रखें, स्पेशली ब्रेकफास्ट को मिस ना करके. ऑल राइट, सो आप आ गए. आई होप आपको ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा. इन्जॉय किया या नहीं आप मुझे बताना. मेरे काम अभी तक भी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं. मतलब एक दिन लेट के आउट हो सारी अफरा तफरी मच जाती है. आई एम श्योर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए जो भी मैं कहना चाहती हूँ. ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा. जो भी लोग ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनके साथ में कर दीजिएगा, फैमिली में हो फ्रेंड्स में हो, आई रियली डोंट माइंड. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले अमेजिंग वीडियो के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच. थैंक गॉड आप यहीं पे हैं. मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो चेक कर लीजिएगा. आज बताया था ना दिन की शुरुआत ऐसी होती है तो फिर वीडियो भी ऐसा ही बनता है.